लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दो बॉडीज हैं आपके पास, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी, दोनों एक ही लाइन पर आगे पीछे चल रही हैं। ए चल रही है वेलोसिटी यू वन से, बी चल रही है वेलोसिटी यू टू से, ठीक है, एक ही लाइन पर चल रहे हैं। हेयर यू वन इज ग्रेटर देन यू टू। यहां दोनों ने बीच में एक दूसरे को इंटरेक्ट किया, ए और बी ने, और फिर ये दोनों अलग हो गए। फिर ये दोनों अलग हो गए, ए की वेलोसिटी हो गई वी वन वैक्टर और बी की वेलोसिटी हो गई है क्या वी टू वैक्टर। दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट हो गई, ए की वेलोसिटी यू वन से चेंज होकर वी वन हो गई, और यहां इस केस में वी टू इज ग्रेटर देन वी वन वैक्टर, वी टू वैक्टर इज ग्रेटर देन वी वन वैक्टर, ठीक है। तो अब इंटरेक्शन के टाइम पर जब दोनों ने एक दूसरे को इंटरेक्ट किया तो दोनों के मोमेंटम में चेंज हुआ, ए और बी दोनों के मोमेंटम में चेंज आया। दोनों ने एक दूसरे को इंटरेक्ट भी किया यहां, when the bodies interact their momentum changes, ठीक है। let the change in momentum be a, ए बॉडी के मोमेंटम में चेंज हुआ डीपी ए, एंड बी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ डीपी बी, ये दोनों के मोमेंटम में चेंज हो गया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा डी पी ए बाई डी टी एंड डी पी बाई डी टी, ठीक है। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, हैंस नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जीरो, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये जीरो हो जाना। फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है क्या, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, प्लस डी पी वी बाई डी टी इक्वल जीरो। देखो भैया थोड़ी सी बात ऐसे होती है कि आपके जो नोट्स हैं आपको भेजे हुए, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे ये सब कुछ जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो डिट्टो वर्ड बाय वर्ड आपको वैसे ही मिले, डिट्टो वर्ड बाय वर्ड है वही का वही, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लिखने में मेरे से चेंजेस हो सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन को मैं डी टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बच जाएगा आपके पास, आपके पास बचेगा डी पी ए प्लस डी पी बी इक्वल्स जीरो, डी पी ए प्लस डी पी बी इक्वल्स जीरो। अब डी पी ए क्या चीज है बताना जरा, ये है मास इंटू, सॉरी मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल जीरो। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए, ए की वेलोसिटी का चेंज क्या है, ए की वेलोसिटी में चेंज कितना आया, ए की वेलोसिटी में चेंज आया कितना आया, चेंज ए की वेलोसिटी में, देखिए ध्यान से,
पहले ए की वेलोसिटी थी यू वन और अब कितनी हो गई है वी वन, तो कितना चेंज आया है वी वन माइनस यू वन फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब आपके पास क्या बचा ये है मास ऑफ ए, मास ऑफ ए मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया, वेलोसिटी वी वन वैक्टर हो गई कितनी थी पहले, पहले यू वन वैक्टर थी, तो चेंज कितना कहा जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल मास ऑफ बी, और चेंज कितना आया, चेंज कितना है बी की वेलोसिटी में, पहले वेलोसिटी थी यू टू और अब वेलोसिटी हो गई कितनी वी टू, यू टू से वी टू हो गया, तो चेंज कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल, कितना चेंज आया बोलिए, चेंज आया वी टू वैक्टर माइनस यू टू वैक्टर। अब इसे आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो एम ए इंटू वी वन वैक्टर माइनस एम ए इंटू यू वन वैक्टर इक्वल्स एम बी इंटू वी टू वैक्टर प्लस सॉरी माइनस एम बी इंटू यू टू वैक्टर। देखो हो सकता है नोट्स में आपके मैंने इसे एम वन एम टू लिखा हुआ हो, इसे एम वन और एम टू लिखा हो, मास मास ऑफ ए मास ऑफ बी, तो एम वन एम टू समझ लीजिए इसे मास ऑफ ए मास ऑफ बी को। अब निगेटिव वाली उधर ले जाओ सारी की सारी वैल्यूज, पॉजिटिव वाली एक साइड ले लो एम ए वी वन और इधर ये रही प्लस एम बी वी टू इक्वल्स ये है मेरी मिस्टेक कि इनके बीच में प्लस था इजिकल्स टू जीरो था, मैंने इन दोनों के बीच में जीरो लगाई, ये प्लस इजिकल्स टू जीरो, यहां ये प्लस और इजिकल्स टू में जीरो, अब हो गया सही हिसाब, अब हो गया सीधा हिसाब, तो यहां से प्लस वाली छोड़ दी गई, एम ए एम ए वी वन वैक्टर और ये क्या है एम बी वी टू वैक्टर इज इक्वल्स टू, इसको मैं उधर ले गया इसको भी उधर ले गया, तो ये क्या बन गया ये एम ए यू वन वैक्टर प्लस एम बी यू टू वैक्टर करेक्ट। अब देखना जरा क्या है एम ए वी वन क्या है, इट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ ए, एम बी वी टू क्या है फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, दिस एम ए वी वन क्या है इट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ ए, एम बी इंटू वी टू क्या है दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, ये क्या चीज है एम ए यू वन, एम मास ऑफ ए यू वन इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू वन, ए की इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या चीज है आपका एम ए यू वन, एम ए यू वन इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, ये क्या चीज है आपके पास ये क्या है इट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, तो अब क्या निकल कर आया फाइनल मोमेंटम ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, दोनों मिलकर क्या है दोनों मिलकर क्या है दोनों मिलकर है आपके फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बना हुआ है दो बॉडीज से, कौन कौन सी दो बॉडीज से बना हुआ है ए और बी बॉडीज से मिलकर बना हुआ है, ये एक सिस्टम बन गया है, सिस्टम बन गया जिसमें दो बॉडीज है, कौन कौन सी बॉडीज है ए और बी बॉडीज है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम और ये वाला क्या चीज है ये दोनों जोड़ करके क्या है ये है आपका क्या इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, कब जबकि आपकी क्या है एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब, अब क्या रिजल्ट निकल कर आया आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या निकल कर आया इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व, दैट इज जब फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल है तो इसका मतलब मोमेंटम में बदलाव नहीं हुआ, हाँ ये तो हो सकता है कि किसी
टकराने के बाद में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पहले, यहाँ देखिए ध्यान से, U1 ग्रेटर था, U2 स्मॉलर था, तो हो सकता है कि सेकेंड बॉडी का मोमेंटम कम रहा हो, बी का मोमेंटम कम हो, ए का मोमेंटम ज्यादा हो, और टकराने के बाद हो सकता है बी का मोमेंटम ज्यादा हो गया हो लेकिन ए का मोमेंटम कम। जितना बी का मोमेंटम बढ़ जाना है उतना ही ए का मोमेंटम कम हो जाना है। दोनों में कुल मिलाकर के टोटल मोमेंटम पहले इंटरेक्शन से पहले, टोटल मोमेंटम इंटरेक्शन के बाद, ये दोनों मोमेंटम कंजर्व रहने हैं। बॉडीज के इंडिविजुअल मोमेंटम में चेंज आ सकता है लेकिन सारा टोटल सारी बॉडीज के मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फाइनल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन, और ये लीनियर मोशन में है। दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।